तो डियर एडुकेटर्स लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा स्क्रीन शेयर में दिक्कत हो गया यू वर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन प्लीज लुक एट दिस वीडियो यहाँ पर आप देखिए आपको सामने नजर आ रहा है कि लॉन्ग आंसर जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आपको फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन को आप चार से साढ़े चार पेजेस में अटेम्प्ट करेंगे शॉर्ट आंसर जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको दस अटेम्प्ट करने हैं सारे मैंडेटरी हैं कोई चॉइस नहीं है तो ये आपको एक से डेढ़ पेज तक का आंसर आपको लिखना है इस चीज में आपके पास जो थर्टी सिक्स पेजेस की आपको शीट मिलती है दो पेजेस आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक फ्रंट है एक आपका नेक्स्ट इमीडिएट उसका बैक साइड है आप यूज नहीं कर सकते तो थर्टी फोर पेजेस आपके पास हैं जब साढ़े चार पेज तक मैक्सिमम आप आंसर लिखेंगे तो अठारह पेजेस आप कवर करते हैं और दस नंबर दस जो क्वेश्चन है आपके पास तीन तीन मार्क्स वाले एक से डेढ़ पेज अब लिखते हैं तो पंद्रह पेजेस कवर करते हैं यानी दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू राइट द सेम इन ऑन थर्टी थ्री पेजेस लॉन्ग आंसर जो आपके पास क्वेश्चन है यहां पर आपके पास चार क्वेश्चन आपको करने हैं 25 मिनट से ज्यादा का समय आप नहीं दे सकते किसी प्रश्न को और शॉर्ट आंसर जो आपको क्वेश्चन करने हैं 10 करने हैं तो 8 मिनट से ज्यादा का समय आपके पास नहीं है इस तरीके से आप 100 मिनट्स यहां स्पेंड कर रहे हैं 80 मिनट्स यहां स्पेंड कर रहे हैं टोटल आपके पास 180 मिनट्स का समय है मैं इसको किस तरीके से डिवाइड करती हूँ लाइक सपोज मुझे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे आपको फर्स्ट फेज नजर आ रहा है तो सेक्शन ए अगर मैंने यहां पर लिखा है मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दिया पहले कि मुझे कौन सा हेडिंग है कौन से क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर रही हूं मैंने उसकी इंट्रोडक्शन पहले दी है फिर उसके बाद मैंने उसके दो पॉइंट लिख के छोड़ दिए और इसकी डिटेल मैं बाद में लिख लूंगी ऐसे ही मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो है यहां पर मैंने उसको जो मेरे जहन में आया मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंगली मैंने वो पॉइंट लिख दिए ताकि मुझे बाद में टाइम कंस्टेंट होता है बहुत सारी चीजें और अटेम्प्ट करनी होती है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा पॉइंट लिखे कैसे सोचे क्या करें तो ऐसे ही मैंने ये पॉइंट उसके बाद मैंने अगली थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है अबाउट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ही मैंने उसके तीन से पांच पॉइंट मैंने यहां पर लिख के रख लिए और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दिया जब इस तरीके से मैंने हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको पांच मिनट स्पेंड किए उसको स्ट्रक्चर करने के लिए आउट ऑफ ट्वेंटी तो मैंने 20 मिनट उसके पर क्वेश्चन बाद में रखे कि पहले मैं स्ट्रक्चरिंग करूंगी उसके बाद 20-20 मिनट -20 में मैं वो सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसको फिल इन कर दूंगी फिल इन करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जब ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर होती है तो आप उसमें लिख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट जब नहीं होता तो बहुत सारे टीचर्स के जो क्वेश्चन हैं लास्ट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं इट इज बेटर आप टाइम के अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से अपना स्ट्रक्चर कर लीजिए प्रॉपर अलाइन कर लीजिए ऐसे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और अगर कहीं लास्ट में आपको कहीं दिक्कत भी आती है एटलीस्ट यू हैव राइट तो आपको बहुत जल्दी जल्दी एक एक दो दो लाइन में आप इसकी डिटेल जो है फिल कर सकते हैं दिस इज अवर यू कैन स्कोर वेल सो ये शायद पिछली वाली वीडियो में ये पोर्शन स्क्रीन शेयर करना भूल गई थी Shoot gaya tha, or please watch this video, and this is going to be very beneficial for you. Thank you. Stay tuned to mentoring the mentors. Have a nice day. Wishing you all the very best.